सो फाइनली रॉयल इनफील्ड अपनी एक नई क्रूजर बाइक को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिसका दोस्तों डिजाइन लीक हो चुका है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोस्तों जो इमेज लीक हुआ है उस पर अगर आप लोग बाइक का लुक देखें तो बाइक का जो लुक है दोस्तों ये आप लोग को डुकाटी की जो डेवल आती है, बाकी जो बेलेनी की 502C आती है उसी की तरह आप लोग को देखने को लगेगी। बाकी दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोग को बाइक का जो लुक है ये कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को बहुत से प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को USD सस्पेंशन के साथ जो है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस पे जो आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल के साथ जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और GPS के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को ऑल LED लाइटिंग सेटअप के साथ जो है डुअल डिस्प्ले के साथ डुअल चैनल ABS और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह ये सभी फीचर्स तो आप लोग को देखने को मिलेंगे ही। बात करी जाए दोस्तों इंजन के बारे में तो बाइक दोस्तों आप लोग को ऑल न्यू 440cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, जिस पे दोस्तों लगभग आप लोग को 40 bhp तक की पावर और 45 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि बाइक जो है दोस्तों ये 6-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी। बाकी बाइक पे दोस्तों आप लोग को BS6 फेज 2 वाला इंजन दिया जाएगा, तो इसका मतलब दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग बाइक पे यूज कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों कहा जा रहा है कि बाइक पे जो है आप लोग को बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक दिया जाएगा, जिसपे दोस्तों लगभग जो है 20 से लेकर 25 लीटर्स तक का आप लोग को फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है दोस्तों ये लगभग जो है 5 लाख रुपए के आसपास में बताया जा रहा है। बाकी लॉन्च के बारे में बताऊं तो इस बाइक को दोस्तों 2024 तक में या फिर 2025 तक में जो है रॉयल इनफील्ड हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर देगी। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस रॉयल इनफील्ड की आने वाली ऑल न्यू क्रूजर बाइक के बारे में, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं, तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।